आज मैं लेकर आई हूँ साबुत हरे मूंग छिलके वाली दाल की रेसिपी, और ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक काफ़ी हेल्दी है। तो हम साबुत हरे मूंग से लड्डू बनाएंगे। प्रोटीन, फाइबर, आयरन से भरे हुए ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये लड्डू आपको इतनी बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कमजोरी लगना, खून की कमी होना, आँखों का कमजोर होना, सर दर्द होना, कितना भी पुराना माइग्रेन क्यों ना हो, आप इन लड्डुओं के सेवन से इन सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं और भी कई फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, निर्मलाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर बनाते हैं इस लाजवाब हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को। लड्डू बनाने के लिए मैंने ये साबुत मूंग लिए हैं। अगर आपके पास छिलके वाली दाल हो मूंग की तो उससे भी आप ये लड्डू बना सकते हैं। अगर वो भी ना हो ना तो बिना छिलके वाली दाल से आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनते हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं ये लड्डू। तो अब हम इनको एक बड़े से मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे, क्योंकि हम इनको वॉश करेंगे। इनके ऊपर डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह काफ़ी लगी रहती है। और इस कटोरी से माप के मैंने ये मूंग लिए हैं, दो कटोरी मैंने मूंग लिए हैं। वैसे वजन से ये हाफ के जी मूंग है। तो इनको हम इसके अंदर डाल लेंगे और पानी डाल करके इसको धो लेंगे अच्छे से। माप का हम पूरा ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम जिस कटोरी से या गिलास से मूंग लेंगे ना, उसी का हम आधा चीनी डालेंगे इसके अंदर। इसलिए माप के हमें ज़रूर से लेना चाहिए ये मूंग को, ताकि रेसिपी हमारी परफेक्ट बैठे। अब हम इसके अंदर पानी डाल करके दो से तीन बार इस तरह से मसल करके इनको अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि जब लड्डू में किकर आएगी ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने के लिए। तो इनको हम धो लेंगे इस तरह से, पानी इसका निकाल देंगे। तो दो से तीन बार हम इनको अच्छे से धोएंगे, और धोने के बाद हम इसको एक कॉटन के कपड़े पे सुखा देंगे। ये देखिए, इस तरह से छलनी में निकाल लेते हैं ताकि सारा पानी इसका निकल जाए ऐसे अच्छे से। ये देखिएगा, अब पानी निकलने के बाद हम इसको कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे। आप चाहें तो धूप में भी इसको सुखा सकते हैं। अगर धूप की व्यवस्था ना हो ना तो इसको फैन के नीचे भी आप सुखा सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए ये अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूखने के लिए। इस तरह से फैला देंगे इसको, ये देखिएगा फ्रेंड्स, आधे घंटे के लिए या फिर 15-20 मिनट के लिए आप इस तरह से फैला करके छोड़ दीजिए इनको, तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। जब इनके ऊपर से पानी अच्छे से सूख जाएगा ना, तो हम इनको कढ़ाई में डाल करके रोस्ट करेंगे। तो 20 मिनट बाद हम, ये देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट बाद ये अच्छे से सूख गए हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं है इनके ऊपर। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने ये एक कढ़ाई ली है और इन सारे मूंग को इसके अंदर डाल लेंगे, और लो फ्लेम के ऊपर हम इसे भूनेंगे। गोल्डन कलर आने तक हम इसे भूनना है, इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी फ्रेंड्स। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको भूनने के लिए। तो इस तरह से चलाते हुए हमें इसे भून लेंगे, ये देखिएगा इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, इसका कलर इतना ही चेंज करना है हमें, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है। चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थाली में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पीसेंगे, इसका आटा बनाएंगे। गर्म में बिल्कुल भी मत पीसिएगा फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी ले लेंगे और घी को गर्म होने देते हैं। हल्का सा घी गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बादाम लिया है मैंने, ये 1/2 कप बादाम लिया है, इसको भून लेंगे। और हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर काजू डाल देंगे। बादाम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ये, और दांतों के लिए, हड्डियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, और कैल्शियम भी इनमें काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो हल्का सा जब इनका कलर हो जाए ना इस तरह से गोल्डन, तो हम इनको निकाल लेंगे। अभी मैंने मगज़ के बीज लिए हैं, इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे, और इनको भी निकाल लेते हैं। अब ये मैंने गट लिया है और इसको कद्दूकस कर लिया, इसको भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से गट, अगर आपके पास नारियल का बुरादा हो तो आप वो ले लीजिएगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, तो मैंने इसको कद्दूकस करके लिया है। अब इन सबको रोस्ट करने के बाद 1 चम्मच घी फिर से डाल देंगे इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर, और इसे गर्म होने देते हैं, अच्छे से गर्म कर लेंगे। और ये मैंने गोंद लिया है और इसके अंदर 2 चम्मच हम गोंद डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोंद हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है और ये पाचन तंत्र को भी अच्छा रखता है गोंद, और सर्दियों में तो इसे खाना ही चाहिए गोंद को। तो इसे भी हम हल्का सा
फ्राई कर लेंगे कलर आने तक, ताकि हमारे दांतों के ना चिपके, ये इस तरह से हल्का सा कलर आ जाएगा ना, तो इसको निकाल लेंगे ऐसे। तो सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया है। मूंग भी हमारे इधर ठंडे हो गए हैं, तो एक मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर इसको डाल करके अच्छे से ग्राइंड करेंगे, इसका आटा बनाएंगे हम। मूंग को डाल लेते हैं इसके अंदर और दो बेच में हम इसको पीसेंगे, फाइन आटा पीसना है हमें इसका। चलिए इसको पीसते हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको पीस करके। ये देखिएगा फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें आटा मिल जाएगा। साबुत मूंग से हम इसको पीस लेंगे ग्राइंडिंग जार में डाल करके। ये देखिए इस तरह से, हल्का सा दरदरा हो तो कोई बात नहीं, लड्डू अच्छे बनते हैं। चलिए अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। एक चम्मच घी हम फिर से डालेंगे इसके अंदर, और जो हमने अभी आटा पीस करके रखा था ना मूंग का, वो इसके अंदर डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। दो चम्मच मैंने इसमें घी लिया है और इस आटे को भून लेंगे, मूंग के आटे को भून लेंगे घी के अंदर अच्छे से। घी में मिला देते हैं आटे को, देखते हैं हमें कितनी आवश्यकता होती है घी की। ये देखिए इस तरह से, और गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत भूनिएगा इसको, नहीं तो ये जल जाएगा और इसके अंदर खुशबू भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस कटोरी से मैं दो चम्मच फिर से डाल देती हूँ, अभी मुझे ड्राई लग रहा है ये आटा। ये देखिए इस तरह से मिला देंगे हम इसके अंदर और देखते हैं हमें कितने घी की आवश्यकता पड़ती है। अभी थोड़ा सा घी हम मैंने और डाला है, ये देखिए अभी इतना घी बचा लिया, और इसको अच्छे से भून लेंगे। वैसे मूंग हमारे भुने हुए हैं तो हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे इससे हल्का सा भूनने के लिए, और जब सोंधी सोंधी खुशबू आने लग जाए ना, तो ये देखिए फ्रेंड्स घी की शाइन भी आ गई है इसके ऊपर। तो हमारा आटा भून गया है और हल्का भी काफ़ी हो गया है इससे ऐसे भूनते हुए, तो बस हमें इतना ही भूनना है आटे को। ये देखिए, चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इतना घी बच चुका है, तो यानी टोटल एक कटोरी घी लगा है हमें इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने हल्का सा ठंडा कर लिया। अब हम एक बड़े से बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ताकि हम इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे ना, तो हमें आसानी रहे थोड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर डाल लेंगे सारे मिश्रण को, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे ना, वो मिक्स कर देंगे इसके अंदर। काजू और बादाम को मैंने बारीक कट कर लिया था, आप चाहें तो पीस करके भी डाल सकते हैं। वो क्लिप शूट नहीं हो पाई फ्रेंड्स, कैमरा ऑन करना भूल गई थी मैं, तो ये मैंने सारा मिक्स कर दिया। और जिस कटोरी से मूंग लिए थे ना, उसी कटोरी से मैंने ये बूरा लिया है। आप चाहें तो चीनी को पीस करके भी डाल सकते हैं एक कटोरी। इन लड्डुओं को ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर मिश्री भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर गुड़ भी डाल सकते हैं। तो इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिएगा, काजू और बादाम को मैंने बारीक कट किया था और बाकी सारे ऐसे ही मिक्स कर दिए। ये एक चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाला है इसके अंदर, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बच्चों को टेस्ट भी पसंद आता है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर कूटी हुई काली मिर्च डाली है, ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, तो ये भी डाल देंगे हम। इसको मिक्स कर लेंगे अब। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें घी की और आवश्यकता नहीं है, इसके लड्डू बना लेंगे इस तरह से। लड्डुओं की साइज आपको कैसी रखनी है, बड़ी या छोटी, आप इस तरह से बना लीजिए। मैं तो छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से बनाते जाएंगे और प्लेट में रख लेंगे इन लड्डुओं को। तो चलिए सारे लड्डू बना लेते हैं ऐसे ही। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारे मूंग के लड्डू बन करके तैयार हैं। ये देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं ना, लाजवाब। और बनाना तो कितना आसान है, इससे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती इसको बनाने के लिए, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद हैं ये लड्डू, तो आप बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को भी बना करके देंगे ना, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा करेंगे ये लड्डू। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आप इस मूंग के लड्डू को बना करके दीजिए, काफ़ी फ़ायदा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखिए, मैं एक लड्डू आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसका अंदर का टेक्स्चर। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स। एक बार इस तरीके से आप बना करके देखिएगा इन लड्डुओं को, सभी को पसंद आएंगे ये। तो रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।